हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सफी ब्लॉग। तो गाइस, आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम इस कार की एसी सेटअप को चेंज करने वाले हैं। तो गाइस, मैं आपको दिखाऊंगा मैंने इस कार की एसी सेटअप को कैसे चेंज किया है और इसका खर्चा कितना हुआ है। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं वीडियो का एंड में बताने वाला हूँ कि मैंने इस एसी सेटअप को चेंज करने में कितना पैसा सेव किया है। तो गाइस, वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, एसी का यूनिट को निकालने के लिए हमें पहले बोनेट को खोलना पड़ेगा, तभी एसी का यूनिट नीचे आएगा। गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि ये बोनेट को कैसे खोला जा सकता है। आप नीचे देख सकते हैं, इधर में एक नट है, ये एक नट है और ये एक नट है। तो इन टोटल एक साइड में तीन ही नट है। ये तीन नट खोलने से एक साइड का पूरा खोल जाता है। और ऊपर में भी नट है, मैं दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये एक नट है, ये एक नट है, ये भी और आगे भी दो है। तो ये खोलने से आगे का निकल जाएगा। और गाइस, इसी तरह उस साइड में भी सेम ही तीन नट है। गाइस, मैं बता देता हूँ इतना टाइम से लोग कर क्या रहा था। एक्चुअली इधर में एक बेल्ट होता है जो एसी का कॉम्पेंसर और इंजन को जुड़ता है। तो पहले वो बेल्ट को खोलना पड़ेगा, तभी वो कॉम्पेंसर नीचे आएगा। तो गाइस, अभी आप सामने जो देख रहे हैं यही एसी का मेन कंप्रेसर है जिसमें ये वाल्व लगने वाला है। तो ये एक्चुअली थोड़ा कम्पैक्ट जगह में होता है, इसलिए इसे निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और थोड़ा टाइम भी लग गया इसे निकालने के लिए। तो अभी वो लोग ये वाल्व को निकालेंगे, पुराना वाला, और नया वाला को डालेंगे। तो गाइस, देखते हैं। अभी आप मेरे हाथ में जो देख रहे हैं यही वो वाल्व है जो अभी अभी इन्होंने निकाला है। मेरे पास और एक वाल्व है पुराना वाला, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। मतलब ये वाल्व जो है ये कंपनी से आता है, ये पहले फर्स्ट टाइम हम लोगों ने चेंज किया था और अभी हम लोग इसे सेकेंड टाइम चेंज करने वाले हैं। तो गाइस, देखते हैं रिजल्ट कैसा होता है। अभी आप देख सकते हैं कि एसी कंप्रेसर का फुली सर्विसिंग हो चुका है, वॉश भी हो चुका है और अभी कंप्रेसर वाल्व लगने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो गाइस, हम लोग देखते हैं कि इसे कैसे लगाया जाता है।
गाइस अभी हम लोग का एसी का यूनिट फुल्ली लग चुका है, मतलब कंप्रेसर फुल्ली लग चुका है। और अभी हम लोग एसी गैस को भरवा रहे हैं। एसी गैस भराने के बाद ही हम लोग का एसी जो है पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा और अंदर भी ठंडा हवा आना शुरू हो जाएगा। तो गाइस देखते हैं इसे कैसे लगाते हैं ये लोग। तो गैस अभी फुल्ली एसी लग चुका है और अभी टेस्टिंग का बारी है। तो भैया ने मुझे बताया कि थोड़ा टेस्ट करके देखो अंदर में ठंडा हवा आ रहा है कि नहीं। तो अभी चेक करता हूँ मैं। तो पहले मैं ग्लास को उठा लेता हूँ, सब ग्लास को उठा लेता हूँ। तो गैस अभी मैंने एसी को ऑन किया है और एसी अभी 2 नंबर में है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ठंडा हवा फील कर सकता हूँ, इस साइड से भी मैं फील कर सकता हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको तो फील नहीं करा सकता हूँ, बट आई कैन फील इट। और आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का जो है वो हवा हवा के वजह से हिल रहा है, मतलब हवा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा ठंडा हवा आ रहा है। तो हम लोगों ने गाड़ी को चलाया नहीं, सिर्फ स्टार्ट में ही रखा है और सिर्फ एसी खाया। तो गाइस देख सकते हैं अब इंजन कितना हीट हो चुका है सिर्फ एसी खाने में ही। और गाइस हम लोग का एसी फुल्ली लग चुका है और अभी ये बम्पर लगाने का वक्त आ गया है। तो गाइस ये लोग अभी ये बम्पर को अच्छा अच्छा से लगा देंगे। तो गाइस अभी गाड़ी का बम्पर भी बिल्कुल लग चुका है, एकदम गाड़ी पहले जैसा हो गया। तो अभी थोड़ा चला के देखा कि ठीक है कि नहीं, सब कुछ ठीक से लग चुका है कि नहीं। मेरे ख्याल से तो लग चुका है, फिर भी वो लोग थोड़ा टेस्ट किया है। तो गाइस अभी बोनेट को लगा देते हैं और हम लोग का गाड़ी बिल्कुल रेडी है। एसी लग चुका है और गाड़ी बिल्कुल रेडी। तो गाइस मैं आपको एकदम पूरा एक व्यू दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हैं गाड़ी बिल्कुल रेडी है। तो गाइस आज पूरा का पूरा दिन मेरा इस एसी को ठीक करने में चला गया, पूरा दिन चला गया आज। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में बताया था कि मैं आपको दो चीज बताऊंगा, एक है कि मेरा इसका पूरा एसी सेटअप चेंज करने में कितना खर्चा हुआ और दूसरा है कि मैंने कितना पैसा सेव किया है। तो गाइस पहला बता देता हूँ कि कितना खर्चा हुआ है। तो एक मेरे पास एक स्लिप है, ये मतलब वो कैश मेमो है। तो एसी का कंप्रेसर वाल्व जो है, वाल्व का प्राइस आपका पड़ा 2300 और कंप्रेसर वेल का कॉस्ट पड़ा है 750, एसी का गैस 600 रुपीज और फेयर चार्ज है, मतलब फेयर चार्ज इधर में लिखा हुआ है, मतलब वो लोग गुवाहाटी से ये सब सामान लाए तो उसका 300 पड़ रहा है। तो इन टोटल हो गया 3950 रुपीज। और इतना ही नहीं, वो लोगों का एक लेबर चार्ज भी होता है, वो लोग आके ठीक किया, घर में आके ठीक करके दिया, तो वो लोग का लेबर चार्ज थोड़ा ज्यादा हो गया, तो 1500 वो लोगों ने लेबर चार्ज लिया। तो इन टोटल हो गया आपका 5450 रुपीज, मतलब 5500 रुपये में मेरा एसी बिल्कुल ठीक हो गया है। तो ये हो गया मेरा पूरा खर्चा। तो अभी मैं बता दूं कि मैंने सेव कितना किया और कैसे किया है। तो मेरा एसी बहुत ही पहले खराब हो चुका था, तो मैंने शोरूम एसी हुंडई का शोरूम में गया था, वो लोगों को दिखाया कि एसी मेरा एसी खराब हो चुका है, तो आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिए। तो लोगों ने बोनेट खोल के चेक किया, एक मिनट जैसा सब जस्ट देखा है, देख के वो लोगों ने बताया कि आपका एसी का फुल असेंबली खराब हो गया है, उसको पूरा चेंज करना पड़ेगा। गाइस मैं आपको बता दूं कि वो एसी का पूरा असेंबली यूनिट जो होता है, जो यूनिट होता है उसका कॉस्ट है 22000 to 23000 एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता देना। तो आपको GST पकड़ के आप बोल सकते हैं कि 20000 जैसा ही इस मैं एसी चेंज करवाने में सेव किया है। तो गाइस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपका भी एसी खराब हो चुका है तो आप डायरेक्ट शोरूम में ना जाए, और अगर आपके आसपास में कोई एक्सपर्ट है, एसी एक्सपर्ट है, तो वो लोगों को दिखाए, तो शायद वो लोग आपका कुछ हेल्प कर सकता है और आपका पैसा भी बचा सकता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट, जय हिंद।